ये तो हम सभी जानते हैं कि पासपोर्ट हमारे जीवन में अब बेहद अहम दस्तावेज हो गया है। यदि हमें बिजनेस, ट्रिप या अन्य कारणों से विदेश जाना हो, यानी कि इंडिया के बाहर जाना हो, तो हमारे पास पासपोर्ट होना बेहद अनिवार्य है। बिना पासपोर्ट के हम इंडिया के बाहर जा ही नहीं सकते। अब ऐसे में बात आती है कि पासपोर्ट बनवाएं कैसे, क्योंकि इसके प्रोसेस में काफ़ी दिन लग जाते हैं और कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लग जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे। तो इसके लिए बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते जाएं और एक एक पॉइंट को फॉलो करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पहला आधार कार्ड, दूसरा वोटर आईडी कार्ड, तीसरा पैन कार्ड और चौथा जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट। अब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें ये जानें। सबसे पहले आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाएं। ये वेबसाइट है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा पासपोर्ट सेवा के नाम से। यहाँ आप कई सारे ऑप्शंस भी देखेंगे, जैसे कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूजर रजिस्ट्रेशन, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यदि आप पहले भी इस वेबसाइट पर अकाउंट बना चुके हैं तो आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन करेंगे। यदि आप पहली बार इस साइट में आए तो आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें आप अपने नजदीकी पासपोर्ट केंद्र ऑफिस को चुनकर सभी आवश्यक डिटेल्स भरेंगे। इसी में आपको अकाउंट भी बनाना है जिसमें यूजर आईडी को पासवर्ड देना। याद रखें, जो आईडी आप बना रहे हैं आपको आगे उसी से एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर जाकर लॉगिन करना है। एक बार आपने अकाउंट बना लिया, अब आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर जाकर लॉगिन करें, फिर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला अल्टरनेटिव वन, इसमें आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव टू, इसमें एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर ऑफलाइन जाकर, यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म जमा करवाना होगा। इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हम यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह देंगे। तो सबसे पहले आप अल्टरनेटिव वन, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपसे पासपोर्ट का टाइप पूछा जाएगा, आपको इन ऑप्शंस में से चुनाव करना है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार होंगे, पहला अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट, फिर दूसरा टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल है या तत्काल, फिर तीसरा होगा टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, 36 पेज की चाहिए या 60 पेज की चाहिए। आप जिन ऑप्शंस को चुनेंगे उसी के हिसाब से आपका पासपोर्ट बनेगा। यदि आप पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं परंतु किसी कारणवश आपका पासपोर्ट नहीं बन सका और आप फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट को चुनें। अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल्स करके एक पेज खुलेगा। अब आपको उन सभी की डिटेल्स को भरना है। यहाँ हम आपको एक एक करके सभी कॉलम के बारे में बताते जाएंगे जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। तो पहला होता है गिवन नेम, इस बॉक्स में अपना नाम भर देंगे, जो आपके दस्तावेजों में हो वही नाम दें, सरनेम। इसके बाद आप अपना उपनाम यानी कि सरनेम देंगे। फिर होगा जेंडर, इसके बाद आप अपना जेंडर चूज करेंगे। फिर होगा हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, यानी यहाँ नीचे आप ये बताएंगे कि आपको किसी और नाम से जाना जाता है। अगर हाँ तो यस करें, यदि नहीं तो नो करें। फिर आता है हैव यू एवर चेंज योर नेम, यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस और नो में बताएं। फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी जन्मतिथि बताएं। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, यदि आपका जन्म इंडिया में हुआ या भारत के बाहर हुआ तो वो यस और नो में बताएं। फिर आता है प्लेस ऑफ बर्थ, अपने जन्म का स्थान बताएं। फिर आता है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, अपना राज्य बताएं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताएं। फिर मैरिटल स्टेटस आएगा, आप शादीशुदा हैं या नहीं, इसमें से ऑप्शन का चयन करें। फिर आता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, अपनी नागरिकता बताएं। फिर आता है पैन, अगर नंबर है आपके पास पैन कार्ड नंबर तो यहाँ पर वो लिख दें। वोटर आईडी अगर आपके पास है तो वोटर आईडी यहाँ पे भर दें। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, किस तरह की नौकरी करते हैं यहाँ पर चयन करें। फिर आता है इज ईदर ऑफ योर पेरेंट और स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके माता पिता या आपके पति पत्नी में से कोई सरकारी नौकरी करने वाले हैं या नहीं, उसका यस और नो में जवाब दें। फिर आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं वो बताएं। फिर आता है आपका इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, यहाँ नॉन ईसीआर और ईसीआर कैटेगरी में से चयन करें। फिर आता है विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क,
यदि आपके शरीर में कोई निशान है तो उसकी डिटेल्स दें, अगर आपके चेहरे पर कोई तिल है, इस तरह का कोई भी निशान है तो उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, यदि नहीं है तो नो का चयन करें। फिर आता है आधार नंबर, यहाँ अपने आधार कार्ड का नंबर दें। फिर आता है आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन आता है इस तरह से, उस पर आई अग्री में आप अग्री करेंगे। इसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी डिटेल सेव करेंगे। अब आपकी एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही फैमिली डिटेल्स करके एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें पिता का नाम, माता का नाम या जो भी लीगल पेरेंट है उनकी डिटेल्स देनी है। एक बार फिर से सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस करके एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि को सही से भरना है। सभी बॉक्स को पूरा करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आपके सामने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पेज खुल जाएगा, इसमें मांगी गई डिटेल्स वो हैं जो आपसे सीधे संपर्क करने के लिए इस्तेमाल में आएंगे। अब फिर से नेक्स्ट करना है। अब आपके सामने आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट या पासपोर्ट डिटेल्स करके पेज खुलेगा, इसमें कुछ सवाल किए गए हैं जिसमें यस और नो का जवाब आपको देना है। जैसे कि क्या आपने कभी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होल्ड किया है, जो कि नॉर्मली दिया जाता है तिब्बतन और दूसरे स्टेटलेस लोगों के लिए, इसका जवाब देना है आपको हाँ या ना। फिर डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, इसमें आप सेकेंड नंबर को चुनेंगे जो कि है डिटेल्स नॉट अवेलेबल। क्या आपने पहले भी कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, यदि किया था तो हाँ चुने, यदि नहीं किया था तो ना चुने। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अदर डिटेल्स करके एक पेज खुलेगा, इसमें दिए गए सभी सवालों को हाँ ना में जवाब देना है। इसमें यदि आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है या कभी हुआ था तो उसके बारे में डिटेल्स देंगे। कोर्ट ने यदि आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाई है तो उसके बारे में बताएं, या आपको कोई सजा हुई है तो उसके बारे में बताएं। तो आप इन सब को नो करेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब आपके पासपोर्ट का एक प्रीव्यू आ जाएगा, जिसमें आपका पासपोर्ट जब बनकर आएगा तो वो देखने में कुछ कुछ ऐसा लगेगा, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आएंगी वो दिखाई देगा। इसे एक बार चेक कर लें, अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन पेज ओपन होगा, जिसमें आपके बारे में कुछ प्रूफ मांगा जाएगा। इसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उन्हें बताएं, प्रूफ ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ई आधार या अन्य डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करें। फिर प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कई डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे जो आपके पास हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं वो दें। यदि आपको पासपोर्ट सेवा की सर्विस चाहिए तो यस पर क्लिक करें, यदि नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करें। यदि आप SMS सर्विस पर यस करते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि आपको पासपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहेगी आपके मोबाइल पे आपको SMS के द्वारा। इसके लिए आपको ₹50 देने होंगे, यह पैसे आपको पासपोर्ट ऑफिस में ही देना होगा। इसके बाद प्लेस वाले ऑप्शन पे जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखें, डेट वाली जगह पे आप जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख को भर दें। फिर उसके बाद में आई अग्री पे क्लिक कर दें, इसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके सभी डिटेल्स को सेव कर लें। अब सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली करके एक पेज आ जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी ARN दिया होगा। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, जब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां आपने जिस दिन की अपॉइंटमेंट चुनी है वो डेट आ जाएगी। अब चाहें तो अपॉइंटमेंट की तारीख बदल भी सकते हैं, सेलेक्ट अनादर अपॉइंटमेंट डेट करके ऑप्शन आएगा नीचे साइड में, उस पर क्लिक करें। आप जो डेट चुनना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। आपको बता दें अपॉइंटमेंट अवेलेबल है कि नहीं ये आप रंगों से पहचान लेंगे, जैसे जिन डेट में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है उस डेट पर लाल रंग होगा, जिस डेट पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है उसमें हरा रंग होगा। इसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे पेमेंट वाले पेज पर, जहां आप इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट्स मोड पर क्लिक करके पेमेंट कर सकेंगे। इसमें आप UPI के जरिए भी पेमेंट कर सकते। पेमेंट करने के बाद अब आप व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप जितनी भी एप्लीकेशन सबमिट की है आपने वो सब आपके सामने आ जाएंगे। आप किस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं या आपने पहली बार जो एप्लीकेशन सबमिट की है वो चूज करेंगे। इसके बाद आप व्यू प्रिंटेड सबमिटेड फॉर्म पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकेंगे। जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं
वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, साथ ही अपॉइंटमेंट की डिटेल्स भी आ जाएंगी। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।